बिना नंबर के गाड़ी देखी इसलिए रोकना। नंबर ना है? हाँ, आपकी बैक साइड की नंबर प्लेट नहीं है। आप लोग बिना नंबर की गाड़ी चला रहे हैं। हमने पता नहीं था, जरा देखूं। अरे नंबर प्लेट कट गई। क्षमा करना, हमें पता ही नहीं था कि नंबर प्लेट नहीं है। ठीक है, नंबर प्लेट लगवा लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके। मैं तो आप लोगों को जानता हूँ, लेकिन हमारी जगह कोई नया इंस्पेक्टर होता तो काफी परेशान कर देता आप लोगों को। मुझे समझ ना आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग जाइए। माफ कीजिएगा आपको रोका। ना ना, अरे तू तो अपनी ड्यूटी कर रहे हो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पता करूँ। अच्छा सिंघानिया साहब, मैं चलता हूँ। जरूर शमशेर ने जो गाड़ी कहीं मारी होगी। हाँ दादाजी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वरना मुन्ना तो जहां भी जाता है दादाजी खुद अपनी गाड़ी ले जाता है। लेकिन दादाजी इस समय तो हमें मीटिंग के लिए जाना होगा, वरना देर हो जाएगी। ये बात हम बाद में भी कर सकते हैं। घर जाके खबर लेनी पड़ेगी। माँ, मैंने बेसन अच्छे से भून लिया है और धनिया देखना जरा गरम है। हाय मोरी मैया, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। जाड़ों के दिन शुरू होते ही आप दोनों के हाथ के लड्डू याद आ जाते हैं। अक्षय दीदी को भी बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, वो कल शनिवार है ना, अक्षरा के ससुराल वालों को न्योता दे दिया है भोजन के लिए। कल सब लोग आएंगे। धनिया जरा घी देना। धनिया जा जरा देख क्या फुलांशु को लेकर आया कि नहीं। जी छोटी, तुझे याद है जब तेरा ब्याह हुआ था और तूने पहली बार यहाँ पर लड्डू बनाए थे? अरे हाँ, तब तो मैंने ही ज्यादा डाल दिया था और फिर किसी सूरत भी वो लड्डू नहीं बन पाया। और मैंने भी जल्दी में पिसी हुई शक्कर समझकर नमक डाल दिया था। अच्छा हुआ दीदी आपने समय पे उसे देख लिया और आपको सब कुछ वापस करना पड़ा। आपने बुना हुआ बेसन भी डाला था उसमें। लो, इसको तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। अरे राजश्री, तू कब तक इसको बनाना सिखाती रहेगी? माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो मैंने छोटी से सीखी है। दीदी आप ही लड्डू बना लीजिए, मुझसे बिगड़ जाएंगे, मैं और काम देख लेती हूँ। माँ वो कल अक्षरा के ससुराल वाले आ रहे हैं ना, तो आप बता दीजिए कि क्या क्या बनेगा, मैं उसी हिसाब से सामान मंगवा लेती हूँ। कल शनिवार है, फिर समय नहीं मिलेगा। छोटी दुल्हन, कल शुक्रवार है और हमें देवी के मंदिर को दर्शन पे जाना है।
हम सोच रहे बाजार से सब्जी हाजिर ले आते हैं। लेकिन महाराज जी सब्जियां तो इतनी पड़ी है और वैसे भी शाम हो गई है, आप कल चले जाइए। ठीक है छोटी दुल्हन, हम बाजार से संध्या को लौटते में सब्जी लेता है। छोटी दुल्हन सुन तो, कल दोपहर को नंदिनी के ससुराल वाले खाने पे आ रहे हैं। मैंने रुक्मिणी बहन को न्योता दिया और उन्होंने हाँ कह दिया। मुझे तो डर था ना कहेंगी। लेकिन भाभी माँ कल ही हम तैयारी कैसे करेंगे? हो जाएगा छोटी दुल्हन, वैसे है ही कितने लोग, छोटा सा तो परिवार है उनका। ये मेरे कहने का मतलब था कि थोड़ा और समय मिलता तो हम उनका आदर सत्कार अच्छे से कर पाते। मुझे लगता है रुक्मिणी बहन अब भी नाराज है, वो मिठाई के मामले को लेकर, इसीलिए तो बच्चों की झांकी देखने भी नहीं आई। हाँ इसलिए जल्दी बुला रही हूँ, ज्यादा मिलने से एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है छोटी दुल्हन जी। वैसे एक तरह से अच्छा ही किया, कल वो आ जाएंगी और परसों राजश्री बहन ने हम सबको न्योता दिया है। अच्छा चलो अच्छी बात है। माँ मैंने इन सारे कपड़ों को धूप दिखा दी है। अच्छा किया बेटा, सर्दी तो आ ही रही है, उन्हीं कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। महाराज जी ये रजाई आप संदूक में रख दीजिए। हाँ ठीक है बोला। अक्षरा थक गई हो बेटा, रात को नींद नहीं पूरी हुई? नहीं नहीं माँ बस ऐसे ही। अच्छा एक काम करो, हाथ मुंह धो लो, थोड़ी सी चाय पी लो, सुस्ती चली जाएगी। ये भी रख देती हूँ। भाभी माँ गद्दे रखवा दिए हैं मैंने छत पे धूप लगने, आपके कमरे के भी रखवा दूँ? हाँ हाँ गणेशी जा ले आ। शमशेर महाराज जी क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हैं? शमशेर अरे महाराज जी बैठे गए सभी लोग। क्या हुआ? घर में सब आग बंद करके बैठे हैं, लगे पता भी है क्या हो रहे हो जी? क्या हुआ? एक मैंने रास्ते में पुलिस रोक कर बतावेगी कि मारे घर में क्या हो रहे हो है। आज पहली बार मारे साथ ऐसा हुए है। पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट गायब हो गई। कैसे? खड़े खड़े तो ना हो सकेगी, इसने हाथ लगाया तो हमारी गाड़ी ने। शमशेर कहाँ है? वो आप लोगों को कहीं ले गया था क्या? बाबूजी वो दो दिन से तो बीमार है, आ ही नहीं। तो फिर किसने किया होगा? ये कैसे हुआ होगा? पता होना चाहिए, अगर आज इंस्पेक्टर पहचान करना होता तो मैंने कोई चोर समझ के पुलिस चौकी ले जाता और पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ने पड़ते मैंने आज। जी मालिक ले। प्रभु गाड़ी की नंबर प्लेट कैसे गायब हो गई? मालिक को नहीं पता मालिक, मैं तो बगीचा में काम करता हूँ, मैं तो गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। दादाजी हमें कछु ना पता, गेट तो हमने बंद कराया था, बाहर को तो कोई आ ना सका। तो कटे गई प्लेट। मुन्ना दादाजी मुझे नहीं पता। दादाजी आप शांत हो जाइए, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मैं नई नंबर प्लेट लगवा दूंगा। एक जो करना है देख लो, आज पहली बार हमारी तुलना चोर चक्कों से हुई है। अरे बरसों लग जावे हैं इज्जत कमाने में, आज तक हमारे साथ ऐसा ना हो। आप भी चाहिए मैं चाय कमरे में ही भिजवा देती हूँ। हाँ हाँ चल बेटा। बस करो वर्षा अब सो जाओ। इंटरेस्टिंग ऑथर है ना? हाँ है, लेकिन कितनी बार तो पढ़ चुकी हो, अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं शौर्य मुझे नींद नहीं आ रही है,
इतने दिनों बाद कॉलेज जाऊंगी, सब क्या सोचेंगे? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, बहुत अजीब लगेगा, मैं आंटी की तरह लगूंगी कॉलेज में। अरे वर्षा, कुछ नहीं होता, कितनी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें आती हैं पता है ना, और तुम्हें देखकर तो उनका भी हौसला बढ़ेगा, ये क्यों नहीं सोचती? नहीं नहीं सौरभ, सब मुझ पर हंसेंगे तो? अरे कोई नहीं हंसेगा, तुम्हारे मार्क्स देखकर ना सबकी छुट्टी हो जाएगी, और जब पता चलेगा ना कि तुमने टॉप किया तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी तुम ज्यादा मत सोचो, आराम से सो जाओ, चलो। पर सौरभ, बार बार कुछ नहीं, आराम से सो जाओ, चलो लेटो लेटो, नीचे आराम से, अभी जो कुछ सोचना है सब सुबह सोचेंगे, अभी आराम से सो जाओ। वर्षा, अब क्या हो? सॉरी, ऐसी हालत में मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अब तो दिखने भी लगा है। पर तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सॉरी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे कॉलेज जाने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट? अरे माहौल बनाने के लिए एक्साइटमेंट तो अभी है ना, और फिर आई एम श्योर कि उसके बाद तुम्हें नींद भी आ जाएगी, और जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तो मैं भी नहीं सो सकता, इसलिए चलो उठो। अब कहाँ? अरे आओ ना, चलो शॉल ले लेना। फिर बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे रोज रोज अच्छा थोड़ी लगता है। आपने देखा ना कल क्या हुआ? दत्ता जी को पता चलेगा कि हम गाड़ी लेकर गए थे तो वो कितना गुस्सा होंगे, कितना नाराज हो जाएंगे हमसे। और अगर कहीं कुछ हो गया तो, कहीं मैंने गाड़ी ठोक दी? नहीं अक्षरा, बेकार में इतना परेशान हो रही, कल आपसे कुछ हुआ? आपसे कहीं गाड़ी लगी? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, कल तो पूरा टाइम आप मेरे साथ ही थे ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप बेकार में ही इतना डर रही, मैं आपके साथ हूँ ना हमेशा। नहीं नहीं, मुझसे ड्राइविंग वाइविंग नहीं होगी, प्लीज। ठीक है, आप अगर ड्राइविंग नहीं सीखना चाहती तो कम से कम आइसक्रीम खाने के लिए तो साथ चल ही सकती है ना। नहीं नैतिक, आज नहीं, ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता है, कल गए थे ना बस। अशरफ प्लीज, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी आ जाएंगे प्लीज। चलिए चलिए चलिए। हम नहीं जाते हैं, देखिए ऑलरेडी हमारे जाने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो गई है। आप समझ नहीं रहे? अब महाराज जी यहाँ क्यों सो रहे हैं? नैतिक, अगर हमें महाराज जी ने देख लिया तो हम उनसे क्या कहेंगे? बीवी के कॉलेज जाने के लिए मैं ये दो जाम, सॉरी लड्डू। पानी, सॉरी
कैसी? इस सुसरी बिल्ली रोज घुसे आते हैं, चैन से सोन उड़ा दे तुम्हें। रात में गाड़ी रात में गाड़ी खोले अरे अरे चोर चोर अरे चोर 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 अरे अरे गाड़ियां ले गए, अरे मेरे साथ से गाड़ी ले गए। दद्दा जी मुन्ना अरे जल्दी आओ, अरे दद्दा जी भाभी माँ मुन्ना अरे ले गए गाड़ी ले गए। ये हो गयो दद्दा जी अपनी गाड़ी छोड़ ले गए। अभी देखे हम लेके जा रहे थे, हम तो चिल्लाए हूं तब तक तो ससुरे लेके भाग गए। क्या मैं टिश्यू लेकर आती हूं। टिश्यू पेपर दीजिए। यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए देर हो रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ अक्षरा, लेकिन लगता है ठंड में मेरा हाथ अकड़ गया है, मैं ड्राइव नहीं कर सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर हम घर कैसे जाएंगे? आप चलाएंगी ना? नैतिक क्यों मजाक कर रहे हैं? अक्षरा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। नैतिक मैं नहीं चला पाऊंगी, मुझे कहाँ आता है? जितना आता है करिए, मैं हूँ ना आपके साथ, हो जाएगा। नहीं नहीं नैतिक, मैं ड्राइव नहीं करूं। तो ठीक है मत चलाई, मैं भी नहीं चलाऊंगा। नैतिक सुनिए ना, नैतिक ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए सब लोग देख रहे हैं, सुनिए ना। उठिए चलिए नैतिक, बस बहुत हो गया, उठिए ना नैतिक, देर हो रही है। चोर कैसे घुसा? ये हो क्यों रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, पहले नंबर प्लेट गुम हो गई, आज गाड़ी चोरी हो गई। वो तो आवाज सुन के हमारी नींद खुल गई, नहीं तो पता ही ना पड़ता। ये मुन्ना कटे है जी, मैं भी बुला लाती हूँ। अक्षय संभल के चलाइए। हाँ हाँ अच्छा, अरे अक्षय संभल के ये गियर चेंज कीजिए। हाँ हाँ अक्षरा आराम से, कोई बात नहीं, इग्निशन फिर से दीजिए। ओके आराम से आराम से आराम से, गुड गुड। चलिए मुन्ना, बहू उठो बेटा, मुन्ना अक्षरा उठो, दद्दा जी बुला रहे हैं। मुन्ना उठो, अक्षरा चले गए, कहीं मुन्ना गाड़ी लेकर। ये रिश्ता क्या कहलाता है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।